उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना बिलसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बता दें कि 14 अगस्त की रात को जितेंद्र की रात में सोते समय फरसा से गर्दन काट कर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 अगस्त को ही घटनास्थल से फरसा को बरामद कर लिया था। थाना बिलसी पुलिस ने मोरश्री पत्नी सूरजपाल निवासी मोहल्ला वार्ड नंबर 8 कस्बा थाना बिलसी की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण कर घटना का खुलासा करने के लिए टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया था, जिस पर घटना का निरीक्षण बयान वादी और गवाहन के आधार पर महिला मिथिलेश पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला नंबर 8 कस्बा थाना बिलसी का नाम प्रकाश में आया, जिसको उसके घर से करीब 9:50 से 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि मेरा पति मुझे आए दिन मारता और पीटता था और उत्पीड़न करता था तथा मेरी पुत्र वधु पर गलत निगाहें रखता था, जिससे तंग आकर मैंने घटना की रात में फरसा पर धार लगाई और सुबह 3 बजे के आसपास जब मृतक गहरी नींद में सो रहा था उसी समय मैंने फरसा से वार कर अपने पति जितेंद्र की गर्दन काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया। 14 अगस्त को थाना बिलसी में मोहल्ला नंबर 8 में बिलसी कस्बे में तेजेंद्र अपने घर के सामने सो रहे थे। रात्रि में किसी ने फरसे से वार करके इनकी हत्या कर दी थी और प्रातःकालीन इनकी डेड बॉडी इनकी पत्नी भी बगल में सोई थी मिली थी। संदर्भ में थाना बिलसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिलसी पुलिस ने ये उद्घाटन किया है कि मृतक की पत्नी ने ही अपनी बहू के साथ संबंध के शक को लेकर के फरसे से इनके ऊपर वार करके इनकी हत्या कर दी थी। इनकी पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेज के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।